भारत के मीडिया की बात करूँ ना, स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया लोग वहाँ पर ये बातें कर रहे हैं, ये कवर कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के घिरते रिजर्व, पाकिस्तान के मुश्किल हालात पाकिस्तान को इस धरने पे पहुँचा देगा कि पाकिस्तान को सेल होना पड़ेगा और पाकिस्तान एक बार फिर इंडिया का पार्ट बन जाएगा। ये बिल्कुल आपके पास ठीक है, हम भी यही, हमारा भी यही दिल है कि ये पाकिस्तान सेल आउट हो और दोबारा से इंडिया के पास चला जाए। इसमें गलती तो कोई नहीं है। क्यों ऐसे कह रहे हो? ये चीज भी मैं आपको बताता हूँ। एक तो आप नॉलेज देख लें पाकिस्तानियों का, इंडिया को देख लें, कंपैरिजन किसी किस्म का बनता ही नहीं है। ये बहुत बड़ी बेवकूफी है कि आप पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं। क्या बोला तूने? आप नहीं कर सकते। अगर ऐसा हो जाता है कि पाकिस्तान इंडिया एक मतलब एक पार्ट बन जाते हैं, तो आप क्या समझते हो अब पाकिस्तान के उठने के चांसेस हैं उसके बाद? नहीं, उसके बाद कैसे चांसेस हो सकते हैं? हमें अभी कोई मिलकर भी नहीं उठ सकते। क्यों? वो इसलिए कि पाकिस्तान के पास है क्या जो ये मिलके उठेंगे? ये दे क्या सकते हैं? ना नॉलेज दे सकते हैं ये इंडिया को, ना ये अपनी कोई इंडस्ट्री दे सकते हैं, ना इनके पास मोबाइल इंडस्ट्री है, कुछ भी इनके पास नहीं है। इनफैक्ट देखिए, हम चाइना की जितनी भी कंपनी है, शाओमी कंपनी है, रियलमी, रेडमी, सारे ये इंटरलिंक करके तो अब सारे ऑफिस, एप्पल अपने ऑफिशियल जो है वो लॉन्चिंग, जो अगला आईफोन 14 आएगा वो तो करेगा इंडिया से। वो क्यों करेगा कि इंडिया पे उसको भरोसा है? पाकिस्तान के साथ वो क्यों कुछ नहीं करता? पाकिस्तान में भी माशाल्लाह से कोई भी एप्पल स्टोर नहीं है पूरे पाकिस्तान में, ठीक है? ये चीज़ है, पाकिस्तानी बहुत इस टाइम नीचे जा रहे हैं। और अब ये अगर लाहौर की बात कीजिए, हम जिधर खड़े हैं यहाँ पे इन्होंने एक ड्रामेबाजी बना दिया कि 10 बजे आपने हर चीज़ बंद कर देनी है। वो क्या है? लोगों को दिखाने के लिए कि यहाँ स्मोक है। ये बेसिकली स्मोक का रीज़न नहीं है। ये रीज़न ये है कि 10 बजे से काम सही से शुरू होता था बरकत मार्केट इधर लिबर्टी वगैरह में, तो ये 20 दिन के बाद ना अमेरिका को अपना ग्राफ दिखाएंगे कि ये देखें आवाम कितनी गरीब है, भूख से मार रही है, हमें कर्जा दे। वो जब कर्जा कोई तरीका है भीख मांगने का, कर्जा देगा तो ये सारा कुछ 16 जनवरी को ये सारा कुछ खोल देंगे। ये इनकी मेन रीज़न है, ये स्मोक वाला कोई रीज़न नहीं है। ना स्मोक है, ना फॉग है, इधर कुछ भी नहीं है। ये सब जो मीडिया है ना, ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और कुछ भी नहीं है। मैं बात करूँ ना इंडिया और पाकिस्तान की, यू नो कि पाकिस्तान और इंडिया को टाइम पीरियड एक जितना हुआ है, लेकिन आज इंडिया को प्रेजिडेंसी मिल गई। इंडिया को G20 की मीटिंग में अगला जो 2023 में वो उनको मिल गया कि आप करवाएं। अगर मैं इसके अलावा बहुत चीज़ें आपको गिनवाऊँ तो सब कुछ इंडिया के पास है। इवन के वहाँ इन्वेस्टमेंट के साथ लोगों ने रिलेशन अच्छे बनाना शुरू कर दिया है। अगर हम भारत की मीडिया की ही बात करें, उनका कहना है कि पाकिस्तान अब डर गया है जब से मोदी आया है। क्या आपको लगता है? पाकिस्तान डरा तो खैर नहीं है, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकता। इसलिए फिर जो भी न्यूज़ आती है ना, वो क्या कहते हैं कि जो किसी का वो क्या कहते हैं भेदी होता है ना, वो बेचारा आगे से बोल नहीं सकता। वो जो बात करेंगे हमें माननी पड़ेगी। अब ये इंडिया और पाकिस्तान का हिसाब ये है ना कि हम ये चाहते हैं, आप इधर की अगर आप पुलिस फोर्स देख लें या कोई और देख लें, तो एक उन्होंने आदमी रखा होता है, वो छतरी उसके ऊपर रख के तो चल रहा है, वो अपना खुद हाथ में पकड़ते हैं। दोनों पॉलिटिक्स की ही बात करूँ, अपने जितने भी पॉलिटिक्स पीछे, मैं 15 साल तो हमारे एक ही ने की है, अगर मैं 45, 40, 50 की भी बात करूँ पॉलिटिक्स को पीछे, और अगर मैं इस पॉलिटिक्सन की बात करूँ जो कि इंडिया में करंट है और इससे पहले, कैसे कंपैरिजन कर सकते? कंपैरिजन बिल्कुल बनता नहीं है। अब आप ये चीज़ देखें कि हमें एक तो हिस्ट्री सबसे गलत बताई गई है, हमें ना कोई कायदा रहमतुल्लाह अलैह की हिस्ट्री सही बताई गई है, ना कोई हमें अब जी 1965 की जंग पाकिस्तान जीता था, 1971 की पाकिस्तान जंग जीता था। यार कैसे जीता था? अगर जीता तो इंडिया हमारे पे हुकूमत करता। ये चीज़ ये हमें ना बिल्कुल गलत नॉलेज दिया गया, फातिमा जिन्ना जी ऐसी थी, ये थी अलामा इकबाल, ये थे वो थे, यार वो जो कुछ भी थे हमें कम से कम। इनफैक्ट मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, हम सब मुस्लिम्स हैं, करबला का वाक्य हमें गलत पढ़ाया गया। जब हमें करबला का वाक्य गलत पढ़ाया गया तो उससे आगे हम पाकिस्तान की क्या, पाकिस्तान की सियासत भी हमें गलत पढ़ाई गई है। क्या लगता है कि ये जो 71 की जंग या 65 की जंग बता के पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को कि हमने जीती है, इसमें हमारा कोई फैक्ट है, कोई बेनिफिट है, हम जो बच्चों को गलत बयानी कर? ये बिल्कुल गलत बयानी करके नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम कहते हैं, अब वालदैन है, वो बच्चों से कहते हैं इंडिया से आप नफरत करें, आज हमने थोड़े से उनके बच्चों के शॉर्ट्स लिए थे, वो यही कहते हैं कि जी हम नफरत करते हैं, हमें वालदैन ने सिखाया। इनको घर से तरबियत ये दी गई है कि आपने एक बंदे को, अच्छा हम कहते हैं ना कि यार किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहिए, यार आप, हम पाकिस्तानी खुद ऑलरेडी डिग्रेड है, हमने किसी को क्या डिग्रेड करना है। जय हिंद दोस्तों, तो देखा आपने किस तरह पाकिस्तान के कुछ लोगों को आज भी पता है कि हकीकत कैसी है और पाकिस्तान की हालत क्या है, और इसी मुताबिक पाकिस्तान आगे अगर इंडिया में मिल भी जाता है तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता क्योंकि उनकी मेंटेलिटी वैसी नहीं है। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।